मेरे सामने देख रहे हैं, और जो लेडीज़ है यहाँ भी वही है। मैं जो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा, टिकट मैंने कवर किया, लेकिन एक्चुअल में ना खान मार्केट क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई है, और ओवरऑल देखा जाए तो खान मार्केट बहुत छोटी मार्केट है। आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियोस में, और मैं आ चुका हूँ अभी खान मार्केट। तो खान मार्केट से मतलब है कि यहाँ पे जो है एक मार्केट है खान मार्केट जो बहुत फेमस है, तो मैं सोचा चलो उसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लोथ से रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप एंड बेस्ट में मिलती है। तो इस वीडियोज़ में हम आज कवर करने वाले हैं खान मार्केट को, तो आप मेरे साथ इस वीडियोज़ में बनी रहिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं खान मार्केट पहुँच के, मैं वहीं आपको जो पूरी फुटेज है मैं वहीं पे आपको दे रहा हूँ। ए टू जेड मैं आ चुका हूँ यहाँ पे खान मार्केट, जो कि सामने देख रहे हैं ये स्टार्टिंग है, और अंदर जाके जो है पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ फूडिंग से रिलेटेड हो या क्लोथ से रिलेटेड हो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए मैं बैक टू बैक आपको कवर करता हूँ हर एक चीज़ों को, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा जो खाने की चीज़ें मैंने सुना था कि बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं ट्राई करूंगा, फिर मैं आपको आगे मार्केट को विज़िट कराऊंगा। तो मैंने तो यहाँ पे छोले और भटूरे खा लिया, जो कि बहुत फेमस था, और इसकी नॉर्मल प्राइस थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, 50 रुपीज़ था, और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ये मार्केट की जस्ट मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाता हूँ, और फिर अंदर है, इसके जस्ट अंदर है। तो ये कुछ शॉप्स है जो हाईलाइट, मतलब जो कि थोड़ा प्राइस इनका कॉस्ट है, ठीक, कॉस्टली प्राइस है इनका, जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है इनका, तो नॉर्मली यहाँ पे इसी मतलब इसी टाइप से है। और आगे जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, जहाँ से जो जैसे लोकल जो ये लगाते हैं, शॉप लगाते हैं, तो उनके पास जो है आपको चिकन बेस्ट में जो है जो भी प्रोडक्ट या जो भी क्लॉथ हो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब मैं आपको आगे की ओर से अंदर जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा पूरी। यहाँ पे ना एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादातर ना वो शॉप से रिलेटेड, जैसे कि शॉप बाई शॉप्स है, ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर मतलब स्टाइलिश और कॉस्टलीस जो शॉप है उस टाइप से ही बना हुआ है यहाँ पे मार्केट। जैसे ये क्लॉथ देख रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल अगर आपको जाना हो तो अंदर आपको जाना पड़ेगा इसके अंदर ट्राई करने के लिए और पूछने के लिए कि कैसे क्या प्राइस है इनका आपका, ठीक है, प्रोडक्ट का, तो वो आपको इंडिविजुअल अंदर जाना पड़ेगा। और तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िलहाल तो मैं अभी आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, फिर मैं अंदर जाके आपको ए टू जेड कवर करूँगा, और उस चीज़ में आपको क्लियरली बताऊँगा कि इनकी जो प्राइस वगैरह है, ठीक है, क्या है अंदर। तो मेन मार्केट एंट्री करने का आगे गेट है, तो मैं आगे से एंट्री करूँगा और आगे आपको मैं फिर दिखाऊँगा यहाँ से। तो ये परफ्यूम है स्टोर, और ये रहा एक एंट्री गेट, और ये रहा मेन गेट। तो चलिए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। स्टेशनरी एक मिला सबसे पहले, और यहाँ कवर से रिलेटेड अवेलेबल है। तो अब मैं आ गया हूँ मेन सेंटर पे, चलिए मैं पहले आपको राइट साइड ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा शॉप का, मोबाइल कवर्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, और मतलब ज़्यादातर मोबाइल और जो लेडीज़ है यहाँ भी वही है। मैं जो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा जो जो लाजपत और जनपद मार्केट का, तो सेम ये अभी वही है कि ज़्यादा कुछ तो जेंट्स के लिए है नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे पूरी जो मार्केट है वो गर्ल्स के लिए ही है। और गर्ल्स के लिए मुझे ना सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि जो भी मार्केट लगती है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो सेलिंग्स है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर अगर देखा जाए बॉयज़ की। तो ये एक लेडीज़ की ये मिली है मुझे, तो ये रहा जो लेडीज़ की ज्वेलरीज़ से रिलेटेड है, और ये रहा अब क्लॉथ से रिलेटेड। यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे लगा कि जो क्वालिटी है ना जो कपड़े की, वो एक्चुअली मुझे बेटर लगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर जनपद और लाजपत जो मार्केट है वो। तो ये
और अगर उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ आप थोड़ा सा अगर हाई मतलब थोड़ा सा बजट अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेके आए ना तो काफ़ी अच्छा शॉपिंग कर पाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि ना जो जनपद है और जो बाकी मार्केट से थोड़ा सा ना यहाँ की जो प्राइस है वो थोड़ा हाई है, लेकिन क्लोथ या जो भी हो चीज़ें हो यहाँ पे ना थोड़ा बेटर मिलता है, मतलब अच्छी मिलती है, अच्छी इन द सेंस के क्वालिटी इनकी ना बहुत अच्छी होती है। मैंने कपड़े भी देखा इनका तो थोड़ा बढ़िया लगा मुझे। और ये रहा आपका सोर्स, मतलब जो भी बात करूँ यहाँ पे मतलब थोड़ा हाई लेवल की जो शॉप है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप नॉर्मल अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा ये मार्केट आपके लिए है नहीं, फूड से रिलेटेड यहाँ पे है। और मतलब मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस के थोड़ा आपको हाईली पे करना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे ले पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, यहाँ क्लोथ मतलब गर्ल्स का ही ठीक है ज़्यादातर है और बहुत ज़्यादा है मतलब, और एक से एक है, एक से एक इन द सेंस के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे गर्ल्स से रिलेटेड ही कपड़े अवेलेबल हैं यहाँ पे पूरे। और मार्केट ना एक्चुअल में कुछ बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लाजपत दिखाया, उसके बाद मैंने आपको क्या बोलते हैं जनपद दिखाया मैंने, तो वो दोनों के अगर इसको कंपेयर में देखा जाए तो ये थोड़ी सी छोटी मार्केट है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो दोनों को ये करता है, मतलब एज अ कंपेयर करें तो हाई है यहाँ का कपड़े की क्लॉथ की क्वालिटी थोड़ा हाई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे दोनों मार्केट में मैंने एक चीज़ देखा कि वो ना जैसे रोड साइड पर स्टॉल लेके मतलब अपना स्टॉल लगाते थे छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो नहीं है, मतलब उस टाइप का नहीं है यहाँ पे शॉप। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जिनका भी है वो परमानेंट शॉप है अपना, और प्राइस भी फिक्स है इनका, जैसे 600 700 है तो वो फिक्स है, 600 700 ही आपको पे करना पड़ेगा। और आगे मैं अब ले चलता हूँ आपको, एक छोटी सी मार्केट रह गया कवर करना जो कुछ शॉप्स है वहाँ पे क्लोथ से रिलेटेड ही, तो मैं उसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो खान मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, ठीक है, कुछ मुझे खास लगा नहीं यहाँ पे, और बस नॉर्मल से कुछ शॉप है जो, चलिए मैं आपको छोटी सी एक जो और शॉप रह गई है मैं उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ शॉप यहाँ पे जो है शूज़ से रिलेटेड भी है, और कुछ जो है यहाँ पे एक्चुअल में जो फूड से रिलेटेड है, ये भाई की शॉप है, ठीक है, तो हाय। और चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको भी बताया और एक मेरे भाई से भी बात हुई थी कि ये जो मार्केट है ना एक्चुअल में थोड़ा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर जो नॉर्मल मार्केट होती है, तो बढ़िया था, ठीक है, ठीक ही लगा मुझे, मतलब एक्सपीरियंस इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन छोटी मार्केट है और थोड़ा क्वालिटी पर आता है बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम विज़िट करेंगे तो मैं जैसे कि सरोजनी मार्केट की भी अगर बात कर लूँ तो हाईलाइट है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, खान मार्केट भी है एक्चुअल में, लेकिन खान मार्केट क्या है कि मैंने आपको जैसे कि यहाँ की जो प्राइस है बहुत हाई है, बार बार अगर मैं कुछ बताऊँ तो एक ही, तो खान मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक स्क्वायर में है, ठीक है, और वन साइड थ्री साइड है, और वन साइड जो आपको दिख जाएगा इस साइड का इस टाइप का, तो एक्चुअल में कवर हो चुका है ये खान मार्केट। और अब मैं आपको आपसे पूछूंगा कि जो खान मार्केट है जनपद है और एक्चुअल में जो मैंने आपको लाजपत दिया है, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि इन तीनों में आपको बेस्ट जो मार्केट है वो कौन सा लगा अब तक के तीनों मार्केट में। तो मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। मार्केट मैंने कवर किया, लेकिन एक्चुअल में ना खान मार्केट क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे इतना कुछ पसंद आया नहीं खान मार्केट में, तो आप एक बार देखिए और आप बताइए कि आपको खान मार्केट कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियोस में हम, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।